नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग INN 24। नमस्कार, मैं हूं पायली चौहान। स्वागत है आपका INN 24 पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दूसरे चरण की अटल विकास यात्रा में पहुंचे जगदलपुर के तारा गांव। कोरिया हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति का एक दिवसीय दौरा, अधिवक्ताओं से न्यायमूर्ति हुए रूबरू, न्यायालय परिसर का किया अवलोकन। और स्वामी विवेकानंद नगर में गणेश उत्सव की धूम, समिति के द्वारा गणेश पूजा के दूसरे दिन महिलाओं का किया गया सम्मान। जगदलपुर तारागांव कांग्रेस ने हमेशा केवल नारे लगाए, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जब भाजपा की सरकार आई, छत्तीसगढ़ का चेहरा बदला है। यह कांग्रेस वाले विकास खोजने निकले, उनको याद दिलाना चाहते हैं, जब तुम्हारी सरकार थी तो किसानों का 5 किलो धान नहीं खरीद पाते थे। पहले बस्तर में नक्सलियों ने टावर गिराकर पूरे बस्तर को 7 दिनों तक अंधेरे में रखा था। आज बस्तर को 440, 220, 130 के 3 बिजली लाइन से बिजली मिल रही है, जिससे कभी अंधेरा ना हो। गरीबों के लिए सबसे बड़ी योजना है। इलाज के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, जिसमें 5 लाख तक का इलाज किया जाएगा। पूरे जिले में 1,08,000 लोगों को उज्ज्वला का लाभ दिया गया। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी लोगों को यह लाभ मिलेगा। स्काई योजना से 5 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा। गांव की बुजुर्ग महिलाएं मुझे अपने फोन से फोन कर बात करती हैं तो मुझे खुशी होती है। जब मेरी बिटिया अपनी साइकिल से सांस से चलती है तो अच्छा लगता है। 12 लाख भाइयों को चरण पादुका के तहत जूते दिए गए। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 750 करोड़ का बोनस देने निकला हूं। कांग्रेस की नीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए वे ऐसा नहीं कर पाए। बस्तर में शिक्षा के लिए एजुकेशन हैब देखने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं। एक बच्ची राष्ट्रपति को पढ़ाती है। यहां का बच्चा पढ़कर यही SP डॉक्टर बनेगा, यही विकास है। अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, हम अटल जी का स्मारक बनाना चाहते हैं। आपके घरों से थोड़ी थोड़ी मिट्टी चाहिए, जिससे आपके घरों की पवित्र मिट्टी से अटल स्मारक का निर्माण हो सके। आने वाले 5 साल विकास करना है और यह आपके आशीर्वाद से ही संभव है। यह विकास यात्रा नहीं, विश्वास यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। कांग्रेस के शासन काल में 50-60 साल राज करने वाले कांग्रेस जो गरीबी हटाओ बोलते हैं, क्या कभी 1 रुपया किलो चावल दिया था? क्या कांग्रेस के शासन काल में जो बहुत गरीबी हटाओ के नारे लगाते रहे, सत्ता में बैठे रहे, कांग्रेस स्कूल खोले या सड़क बनाए, क्या करते रहे? सिर्फ नारे लगा के राज करते रहे। काम कब शुरू हुआ? जब आपने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाई 2003 से, गांव-गांव में विकास की लहर चल रही है, गांव-गांव में विकास तेजी के साथ बढ़ा है। कोंडागांव प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा के मौके पर 15 सितंबर को विकास खंड माकड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पहुंचने पर जिला प्रशासन द्वारा उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि जिले के विगत महीनों में अंदरूनी क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया है और लोगों को आवागमन की भारी सुविधा उपलब्ध हुई है। इस क्रम में दुरुस्त क्षेत्र में 1,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसी प्रकार कौशल विकास के क्षेत्र में भी परंपरागत व्यवसायियों के अलावा नए रोजगार के क्षेत्र जैसे चूड़ी एवं LED बल्ब निर्माण व्यवसाय में भी लोगों को प्रशिक्षित कर हुनरमंद बनाया जा रहा है। नान अध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी द्वारा अपने संबोधन में डॉक्टर रमन सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विकासखंड को विकास की एक नई गति मिलेगी। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने माकड़ी जनपद हेतु महाविद्यालय, बस स्टैंड, शव परिच्छेदन गृह जैसे मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, रसोई गैस कनेक्शन, तेंदुपत्ता संग्राहकों को तेंदुपत्ता बोनस की राशि, मुख्यमंत्री सहज बिजली बिल योजना, मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजना, संचार क्रांति योजना, स्काई के हितग्राहियों को स्मार्टफोन
एम्बुलेंस एवं दिव्यांगों को ई रिक्शा, कृषि विभाग की योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को स्प्रिंकलर सेट, रोटावेटर विद्युत पंप और मुख्यमंत्री मनरेगा श्रमिक टिफिन वितरण योजना के हितग्राहियों को टिफिन वितरण किए गए। कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जिला कलेक्टर द्वारा प्रारंभ किए गए कौशल विकास के तहत किए जा रहे नवाचारी कार्यों को भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें स्मार्ट बताया। साथ ही वही सभा स्थल से दूर पहाड़ी चट्टान पर बैठे ग्रामीणों के एक विशाल हुजूम का विशेष रूप से शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सांसद श्री दिनेश कश्यप, नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष लता हुसैनडी, श्री श्याम बैस, पूर्व विधायक सेवक राम नेताम, कमिश्नर बस्तर संभाग धनंजय देवांगन, पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, जिला कलेक्टर नीलकंठ टेकाम, पुलिस अधीक्षक अरविंद सहित जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे। राज निर्माण के बाद जब मुझे अवसर मिला, मुझे लगा गोंडा गांव का विकास होगा क्यों है। मुझे सबसे बड़ी बात इस बात का एहसास था कि गोंडा गांव को विकसित करना है। गोंडा गांव के गांव महाकड़ी तक केसकाल से लेकर इस क्षेत्र को विकसित करना है। 50-60 साल तक कांग्रेस के राज में जो शोषण हुआ, उपेक्षित रहा, कभी ध्यान नहीं दिया गया, कोई विकास के काम नहीं हुए। न बिजली था, न सड़क था, न पानी की व्यवस्था, न ही क्षेत्र में ग्रामीण सड़कें थी, चारों तरफ अंधार अंधेरा था। इस कोंडागांव जिले के जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात होती है, 1000 किलोमीटर सड़क का निर्माण इन 5-6 साल में हुआ। इस साल के लिए 200 किलोमीटर का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अकेले कोंडा गांव जिले में हुआ। शिल्पदेव बाबा विश्वकर्मा की जयंती आज मनाई जाएगी। कोरबा औद्योगिक नगरी है, जहां दर्जनों छोटे बड़े संयंत्र स्थापित हैं। सभी छोटे बड़े संस्थानों में बाबा विश्वकर्मा की पूजा को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। पूजा पंडाल एवं सजावटों की सभी तैयारी अंतिम चरण पर है। जिला ऑटो संघ ने भी अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। वाहन का प्रयोग करने वाले भी अपने मशीनों एवं लोहे के औजार वाहन के साथ सभी मशीनरों की सफाई कर विश्वकर्मा पूजा की तैयारी पूर्ण कर लिए हैं। यह पंडाल श्री श्री 108 श्री बाबा विश्वकर्मा का पूजा हम लोग 18 वर्ष पूर्व से करते आ रहे हैं और बाबा की ऐसी कृपा है, विगत हर मनोकामना को पूरा करता है। हम सभी कारपेंटर समिति का, सबके परिवार का कल्याण करता है और यह समिति श्री श्री विश्वकर्मा कारपेंटर जन कल्याण हेतु हम लोग समिति बनाए हैं। हम लोग जन की सेवा करते हुए यह कार्य करते हैं और बाबा हम लोगों को मनोकामना पूरा करता है और उपेक्षा करते हैं। हम सभी नगरवासियों का मनोकामना बाबा पूरा करेंगे, बाबा विश्वकर्मा बाबा। कोसाबाड़ी स्वामी विवेकानंद नगर में भी गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आयोजनकर्ता समिति पूजा के साथ विविध तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में समिति ने पूजा के दूसरे रात को महिलाओं के लिए विशेष बनाने को लेकर महिला दिवस के रूप में मनाया। कोसाबाड़ी स्वामी विवेकानंद नगर में भी गणेश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आयोजनकर्ता समिति पूजा के साथ विविध तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में समिति ने पूजा के दूसरे रात को महिलाओं के लिए विशेष बनाने को लेकर महिला दिवस के रूप में मनाया। साथ ही महिलाओं के लिए संगीत कुर्सी दौड़ जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने बताया कि विगत 10 वर्षों से समिति गणेश पूजा का आयोजन कर रही है। समिति द्वारा 5 दिनों तक भगवान गणेश की आराधना की जाती है। साथ ही लगभग स्वामी विवेकानंद नगर के सभी घरों से इस आयोजन में भरपूर सहयोग मिलता है। यहाँ पर हम गणेशोत्सव समिति जो है, हम सब एक पारिवारिक गणेशोत्सव समिति है और यह गणेश उत्सव हम करीब पिछले 10 वर्षों से मना रहे हैं। ये हमारा 10वां वर्ष है। एक बड़े ही छोटे से रूप में हमने शुरू किया था ये गणेश उत्सव, जब करीब मुझे याद है करीब 7 या 8 परिवार जुड़े थे इस गणेश उत्सव समिति में और आज मुझे बोलते हुए फख्र होता है, गर्व होता है कि आज हमारे इस गणेश उत्सव समिति में हमारे इस कॉलोनी के करीब 90 परिवार जुड़े हुए हैं और सब बच्चे, महिलाएँ, बुज़ुर्ग सब लोग मिलजुल करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से यह उत्सव को हम मनाते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद हमारे पूरे मोहल्ले, हमारे पूरे कॉलोनी को मिलता रहे। पहले दिन तो हम 5 दिन का बस गणेश, 5वें दिन विसर्जन करते हैं, 5 दिन का हम गणेश उत्सव मनाते हैं।
पहले दिन हमारे यहाँ पूजा आराधना होती है, उसके बाद कुछ एंटरटेनमेंट गेम्स होते हैं। दूसरा दिन हम बच्चों के लिए रखते हैं पूरा समय, बच्चों के लिए कार्यक्रम होते हैं जिसमें कि फैंसी ड्रेस हुआ, म्यूज़िक, डांस, ये सब कॉम्पिटिशन रखा जाता है। और तीसरा, आज हमारा तीसरा दिन है, और तीसरा दिन हम एक वुमेंस डे, महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक ग्रुप, म्यूज़िकल ग्रुप हम बुलाते हैं, उनके साथ हमारे लोग जो गीत वगैरह गाते हैं। तो आज महिलाओं का कार्यक्रम विशेष कर रखा गया है, और कल फिर जेंट्स महिला सब मिलजुल करके अपना कार्यक्रम देंगे। परसों हमारा हवन का कार्यक्रम सुबह होगा और दोपहर में विसर्जन का कार्यक्रम। समिति के आयोजन से पूरे नगर में गणेश उत्सव की धूम रहती है, साथ ही हर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिसमें बच्चे और बड़े सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और 5 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में श्री गणेश जी की आराधना कर नगर में खुशी और मंगल की कामना करते हैं। हमारे यहाँ करीब 10 साल से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है जिसमें हमारे पूरी कॉलोनी की फैमिली इकट्ठा होती है। और पहले दिन हाउजी वगैरह का कार्यक्रम हुआ, और कल बच्चों का कार्यक्रम हुआ जिसमें फैंसी ड्रेस, डांस कंपटीशन हुआ। आज महिला दिवस मनाया जा रहा है जिसमें महिलाओं के लिए कार्यक्रम हो रहा है, और जो कल होगा वो सब पुरुष के लिए होगा, सब गेम और गाने वाने सब पुरुषों के लिए किए जाएंगे, उसके बाद परसों उसका समापन होगा। INN24 के लिए अनूप पासवान की रिपोर्ट। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ न्यायालय परिसर में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफोलियो जज न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक तिवारी का आगमन हुआ, जिसमें कोरिया जिले के डिस्ट्रिक्ट जज विजय लकड़ा, कोरिया जिले के CGM राधिका सैनी के साथ संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रसाद गौतम और अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अखिलेश शर्मा द्वारा मनेंद्रगढ़ न्यायालय में विशेष न्यायालय की स्थापना, श्रम न्यायालय को कोर्ट परिसर में रखने जैसे महत्वपूर्ण अन्य मांगों को लेकर माननीय न्यायमूर्ति का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया, जिस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर कार्रवाई करने की बात कही। इस अवसर पर संघ के सभी अधिवक्तागण उपस्थित थे। कोरबा में बढ़ते अपराध से जहां नगरवासी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वही व्यापारी वर्ग लामबंद होकर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। शनिवार रात लगभग 9 बजे मुख्य मार्ग पर नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं शारदा सेल्स के संचालक अपनी दुकान बंद कर घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में 2 बाइक सवार युवकों ने व्यापारी को पहले धक्का देकर गिरा दिया, उसके पश्चात उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर फेंक कर उसके पास रखे लगभग 3 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वही नगर में बढ़ते अपराध से चिंतित चेंबर ऑफ कॉमर्स ने अपराधियों के नहीं पकड़े जाने पर कोरबा बंद की चेतावनी दी है। घटना के बाद देर रात तक राजनैतिक दल के नेता थाने में डटे रहे। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद नाकेबंदी शुरू कर दी। बोले देख के नहीं चलाते स्कूटर में, बोले मैं देख के चला रहा हूँ, तुम लोग पीछे से क्यों मार दिए मेरे स्कूटर को, उतने मेरे आँख में मिर्ची छीटे और मेरे धक्का देख गिरा दिया, पूरा मैं ऐसे बैग रख लिया, उसके बाद मेरे को मारे हैं पीठ में, सिर में, चश्मा भी निकल रहा है ना। अच्छा क्या चीज़ से कुछ हाथ में रखे थे? कुछ नहीं रखे थे, हाथ से मारे, हाथ में रखा था, झोला में बैग के अंदर, ये झोला के अंदर, झोला के अंदर, और पीछे से आके मतलब पहले पहले स्कूटर को मारे, ओके बाइक, हाँ मुँह खुला हुआ था, तीनों का पैसे लेके क्या उम्र के रहे होंगे? एक को पहचान लूंगा जो मेरा झाल 35 से 40 मोटरसाइकिल वाले पीछा किया है, एक ऑटो वाले भी पीछा किया है, मैं बहुत चिल्लाया हूँ केदार केदार बचाओ बचाओ, क्योंकि कोई भाई है मेरा बगल में ही रहता है। किधर भागे भैया ये लोग? कोरबा तरफ, पुराने शहर तरफ। हाँ अब ट्रांसपोर्ट नगर से पता नहीं चौक से किधर गया मैं, बाकी मैं दौड़ते भागते आके भी चौक में भी 2 पुलिस वाले खड़े थे, सफेद वर्दी वाले, उनको भी बोला मेरा पैसा लूट लिए, रोकिए। वो लोग कहाँ मिले? इन दिनों गणेश पूजा की धूम पूरे शहर के साथ उपनगरीय क्षेत्रों में भी है। हर जगह प्रथम आराध्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा विराजे हुए हैं। कोरबा के कुछ बड़े पूजा समितियों के द्वारा हर वर्ष गणेश जी की प्रतिमा को एक नए थीम के साथ भव्य रूप देने की मानो प्रतिस्पर्धा की स्थिति बनी रहती है। इसी कड़ी में कोरबा सांसद मोहल्ले में भी विघ्नहर्ता के भक्तों ने यहाँ की प्रतिमा को एक विशाल आकार दिया है, मानो जैसे विघ्नहर्ता स्वयं भक्तों को दर्शन रूपी साथ दे रहे हों। इस पूजा पंडाल के प्रवेश द्वार को भगवान शिव की प्रतिमा का स्वरूप दिया गया है, साथ ही यहाँ की मनमोहक झांकियां और रंग बिरंगी रोशनी से की गई सजावट भी यहाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। समिति के सदस्यों ने बताया कि यहाँ पिछले 24 वर्षों से भगवान गणेश की पूजा करते आ रहे हैं। समिति के सदस्य और पदाधिकारी हर वर्ष कुछ नए थीम में पूजा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं।
साल से आ रहे हैं देखने के लिए, और यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ एक नया डेकोरेशन रहता है जो मतलब यहाँ पर लोगों को जो अट्रैक्शन का जो कारण है, स्पेशली कोरबा की जो लोग हैं ना यहाँ पर सीतामढ़ी के लिए स्पेशली आते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर आप बाकी जगह और कंपेयर कर लीजिए यहाँ का देखने के लिए, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पर यहाँ के जितने वॉलंटियर हैं सब इतना अच्छा मैनेज कर रहे हैं लोगों को कि आप आगे चलिए सबको देखने का मौका दीजिए, बहुत अच्छा भीड़ है यहाँ पर, इतना अच्छा सजावट वगैरह जो है काफ़ी देखने के लायक है। हम लोग विगत लगभग 24 वर्षों से लगातार हम यहाँ पर गणेश का स्थापना कर रहे हैं, पहले बड़े लोग करते थे फिर और नवयुवक आए फिर अभी आज बच्चे लोग मिलकर सब बड़े रूप में बहुत ही अच्छे धूमधाम से पूरा मोहल्ला एक परिवार के रूप में यह उत्सव को हम मनाते आ रहे हैं। और इस बार हमने यहाँ पर जो बाहर में आप लोग दिखे चार प्रकार का बाहर दूर से अपना झांकियाँ मंगाए अलग अलग थीम में वो झांकियाँ हैं, वो झांकी को देखते हुए दर्शनार्थी अंदर आएंगे और विशालकाय गणेश जी बैठे हुए मुद्रा में बहुत अच्छे पंडाल में सुसज्जित उसको दर्शन करके प्राप्त करेंगे। और कंटिन्यू हमारे यहाँ भोग भंडार अभी लगातार बन रहे हैं, चल रहे हैं, आज पूरी सब्जी है, जैसे कल खिचड़ी बना था उसके पहले पूंजी का था, इस प्रकार 10 दिन में अलग अलग 10 किस्म के हम प्रसाद की व्यवस्था यहाँ करते हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी संतोष कोलकुंडा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस कोको पाड़ी कोंडागांव जिला प्रभारी विपिन मिश्रा 16 सितंबर को कोंडागांव में प्रथम आगमन पर युवा कांग्रेस कोंडागांव में बाइक रैली से स्वागत नाका से कांग्रेस भवन तक और युवा कांग्रेस के साथियों से विशेष बैठक हुई जिसमें सभी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी गण मौजूद रहे। जिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी गण, सभी पार्षद गण की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार विश्वासघात की है और उनके साथ जो छलावा कर रही है उसके खिलाफ हम छत्तीसगढ़ के युवाओं की आवाज़ बनकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोज़गार की उनकी व्यवस्था बनाने के लिए, एक अच्छा सरकार देने के लिए और नया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी युवाओं से समर्थन मांग रही है, एक जागरूकता अभियान चला रही है, एक फॉर्म भराया जा रहा है जिसमें मैं भी बेरोजगार, जिसका नाम है कैंपेन का, और उस कैंपेन के तहत जो फॉर्म बेरोजगार युवा उसको भरते हैं तो आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार अगर छत्तीसगढ़ के युवाओं के समर्थन से बनती है तो कांग्रेस सरकार संकल्पित है कि उन युवाओं को जिम्मेदारी के साथ उनके रोजगार की व्यवस्था कराएगी। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। अपने जिले और शहरों की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। INN24 आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। YouTube में लाइव टीवी देखने के लिए INN24 सीजन लाइव पर विजिट करें। नमस्कार। मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं INN24। हाय एवरीबॉडी, आप सब लोगों के लिए लेट्स सिंग सम लाइंस, मेरा गाना अफगान जले भी कुछ लाइंस आपके लिए गाता हूं। अफगान जले भी माशूक फरे भी घायल है तेरा दीवाना वैवा वैवा। ओके, बी हैप्पी एंड कीप वाचिंग दिस चैनल INN24।